दे दो। जेके बोपी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जेके बोपी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सीट मैट्रिक्स को चेंज कर दो, चेंज कर दो, चेंज कर दो। क्या बोलिए आप, पहले चलिए सबसे आपका नाम जाना चाहते हो। यूजी के स्टूडेंट्स हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, हमारा मसला है कि 2019 से हमारी 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस को इंकॉर्पोरेट हुई है 103-124 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत। फिर SRO 518 के तहत हमारा इधर MBBS एडमिशंस में भी 10% रिजर्वेशन मिला, बट सिंस 2019 से लेकर अब तक हमें 5% ऑफ द कोटा दिया जाता है एंड 5% ऑफ द अवेलेबल कोटा जो है दैट्स बीइंग गिवन टू द स्टूडेंट्स ऑफ अदर कैटेगरी। हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि कौन सा SO है, कौन सा ऐसी रूलिंग है जिससे इसको डिफेंड कर सके कि ऐसा अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। 2 साल से हम मास प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमने हाई कोर्ट तक भी केस किया, हम ड्रॉप हो चुके हैं 2 साल से, हमें अपना हक नहीं मिल रहा है। हम NMC के अप्रूवल्स दिखा सकते हैं आपको, कैसे 85+15 की कॉम्बिनेशन में 100 सीट दी गई लेकिन हमें 50 ही दी जाती है, कभी 49 ही दी जाती है एंड द सेम वॉज कैरियड इन द रिसेंट सीट मैट्रिक्स। हमारा यही ये है कि जो सीट मैट्रिक्स निकला जिसमें इतना बड़ा इंटेंशनल एरर जो है रखा गया उसको रिवाइज किया जाए, नया सीट मैट्रिक्स के हिसाब से हमें जो है FML रिलीज किया जाए जल्द से जल्द एंड हमें इंसाफ दिया जाए। जी सर, हम EWS कैटेगरी के जो नीट UG होता है इसमें EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स हम हैं। हम यहाँ पे इस हवाले से आए हैं कि अगर जो जो यहाँ पे लिस्ट निकलता है वो उसकी कोई स्पेसिफिक रिजर्वेशन होती है तो हमारी भी सेंटर से अप्रूव हुई थी जो न्यू कैटेगरी लॉन्च हुई थी 2019 में अंडर BJP गवर्नमेंट, तो उसमें 10% EWS कोटा 10% EWS कैटेगरी को लॉन्च किया गया था। उसमें हर कॉलेज में हर कॉलेज के एडमिशन में इनमें 10% कोटा EWS को स्पेसिफिकली देना था, तो यहाँ पे भी वो अप्लाई किया सत्यपाल मलिक जी ने 2019 में अंडर SRO 518। तो हम वही चीज़ जानना चाहते हैं कि अगर ये यहाँ पे लॉन्च हुआ आपको 10% देना है, हर जगह 10% यहाँ पे मिलता है, फिर JKBOPI जो हमारी काउंसलिंग करता है नीट UG में, आप वहाँ पे 10% क्यों नहीं देते? अगर वहाँ से 10% से भी जगह से मिल रहा आपको, अप्रूव भी हुआ, एक्स्ट्रा ये सीट्स भी आपको मिली ताकि बाकी कैटेगरीज को टेम्पर ना करना पड़े, बाकी कैटेगरीज में से आप ये सीट्स ना निकालो, तो उसीलिए आपको एक्स्ट्रा सीट्स भी मिली सेंटर से, फिर भी आपने वही डिस्ट्रीब्यूट कर दी बाकी कैटेगरीज में, हमें अपना हक नहीं दे रहे, हमारा ही हक छीन के बाकी कैटेगरीज को दे रहे हैं। हम वही मुतालबा करना चाहते हैं कि हमें अपना हक दे दो, अगर हमारा 10% आता है सेंटर से, फंडिंग भी अलग से आती है EWS की सेंटर से, तो फिर आगे हमें क्यों उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा? अगर हमारा हक है तो उसका फ़ायदा बाकी कैटेगरीज को क्यों दे रहे हो आप? अगर हमारा हक है तो हमें दे दो, आप बाकी को क्यों दे दो? हम यही मुतालबा है हमें कि इस बार सीट मैक्स को चेंज किया जाए, उसमें जो आपने इंटरनेशनल एरर रखा है आपने 53 ही सीट्स रखी है, आप बराबर अपना 10% हमें प्रोवाइड करो और FML को इसी अकॉर्डिंग रिलीज़ कर दो।